खोलते हैं ना जो देखो इस पे भी लिखा है डीजल का भाई साहब सारा डीजल मतलब पेट्रोल डीजल ऐसा लगे कि नहीं डीजल डालो। सुबह सुबह का वक्त है भाई, अपन लोग निकल चुके हैं यूपी की तरफ। यूपी हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारी नानी के थोड़े प्रॉब्लम है, उसको वैद्य जी पे दिखाने, वैद्य की थोड़ी हमारी नानी को दवाई लगती है। अभी अपना पहला टोल पड़ेगा, जो पहला टोल है वो अपना पड़ता है 45 या 45 रुपये का पड़ता है। ये खुलते ही अपन पहुँच जाएंगे यूपी में। अब देखना हम यूपी में एंटर कर चुके हैं, अभी देखना थोड़ी देर में अपन, ये देखो अभी यार दिक्कत है ये बड़ी इनमें, ये देखो अपन कर चुके हैं यूट्यूब वो उसमें यूट्यूब कह रहा हूँ मैं यूपी में एंटर भाई। ये अपना आउटर इलाका है यूपी का। अब जस्ट हम लोग न्यू थे, हमें पता नहीं था, तो हम लोग रॉन्ग साइड से गए भाई। रॉन्ग साइड से ना जाओ वही बढ़िया है, क्योंकि हमें पता नहीं था कट बहुत दूर जाके मिला है, हमें बहुत दूर जाके कट, इससे अच्छा अपने साइड से जाओ फिर कट मिल जाएगा, उधर से लौटा लो गाड़ी। अब अपन लोग हाईवे पर चढ़ चुके हैं, हम लोग रॉन्ग साइड से हट के भाई। जो यूपी के रोड है ना भाई लाजवाब, अरे एमपी से लाख गुना अच्छे हैं, मैं फ़ैन हूँ यार इनका, सच्ची कह रहा हूँ, बहुत मस्त वो रोड है। और आप लोगों ने देखा होगा हम लोग वैसे सीट बेल्ट नहीं लगाते, लेकिन अब इधर जैसे लॉन्ग 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 ड्राइव पे जाते हैं तब लगा के रखते हैं, बिकॉज सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी। पहुँच लिए भाई साहब हम, जो कोई है अब क्योंकि प्राइवेसी में भंग नहीं कर रहा बेचारे का, कहेगा कि कोई उसने मेरी वायरल कर दी, वैसे मैं बहुत वायरल हूँ ना इस चक्कर में, गाँव दे आती लगा। पर यूपी की रोड एक नंबर है भाई साहब, मस्त है, हमारे एमपी से तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमारे एमपी में तो चढ़ा चट सीधे जाएंगे पर दुम 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 कैसे करके होती है, यूपी रोड बढ़िया है, मक्खन सी गांव की रोड है, नहीं तो देखो कितनी मक्खन सी ये गांव की रोड है। जे देखो जे खड़ा है, ठीक है जे मत बोलना, जे खड़ा है इसको एकदम मक्खन सी करने के लिए, इसके नीचे रौली आप लेट जाओ तो पेट कम हो जाएगा। जी लौटते थे हम टोल पे आ गए, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो रिचार्ज खत्म हो गया था। अब पैक कर रहे हैं, क्या 15 मिनट बाद एक्टिवेट होता है इसमें रिचार्ज फास्ट। हो गई चालू। ये देख लो भाई, अब डीजल में कचरा दे दे तो ऐसे उठाड़े में रहना पड़ता, ये देखना ऑयल पूरा खराब हो गया, इसकी क्या थोड़ी सर्विस भी नहीं थी ना, पसीने में भीग गया भयंकर तरीके से, इतनी गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, ये देख लो अपने एकदम भयंकर तो पूरा नहाया हुआ हूँ। इधर से चालू तो कल आए थे हम लोग, मतलब चलते आ गई, अब उसमें पता नहीं फिर से क्या दिक्कत आ गई है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये पंप होता है ये पंप देखे अब पता ही नहीं पड़ रहा डीजल में मतलब कचरा आ गया है यार, इन्हें सेकंड हैंड लिया ये गाड़ी, अभी सेकंड हैंड लिया। हम लोग यही सोच रहे थे कि डीजल में कचरा आ गया, पर ऐसा कुछ नहीं था, ना सर्विस का इशू था, ना गाड़ी में कोई कमी थी, इशू बस ये था कि उसने डीजल की जगह पेट्रोल गाड़ी में डाल दी थी, और हम लोग सोच रहे थे कि डीजल डला है डीजल में कचरा आ गया, पर उस साले ने अब क्या बताऊँ उसने लेके वैसे उठाया क्या है? उसी पे हम लोगों ने पहले डीजल डलाया और एक घंटे बाद उसी पे आके डलाया उसने लेके पेट्रोल डाल दिया। अब मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने लगे तो हम लोग इतना गौर ध्यान नहीं दिया, अब वो तो भगवान की दया थे तो बच गए, नहीं तो आग लग सकती थी गाड़ी में, ये पेट्रोल पंप वाले ऐसे। मुझे तो हैबिट है उसके चक्कर में, अपनी एस्पायर के चक्कर में, देखते हैं अब क्या होता है, ये आ गए इस गाड़ी के ऑनर अपन को तो हैबिट है ना ऐसे करके एस्पायर के चक्कर में, अब सवाल ही नहीं पड़ रहा कि डीजल में कचड़ा आ गया है या वैसी प्रॉब्लम है, अब इसकी ग्वालियर जाके इसको सबसे पहले चेकअप कराएंगे। लगाई भाई साहब क्या मतलब गाड़ी ये इधर आया और गन्ना का दूध पीना बनना होगा पहले, गर्मी बहुत हो गई, कैसे भी करके हम करें लगी गए, मैं कह रहा था उसकी क्या कहते हैं अपने कभी ऐसे बीच में खड़ा नहीं किया, पता नहीं इसको क्या हो गया, फिर से आगे बंद हो गई, नहीं उठ रही है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, एस्पायर ने मतलब ऐसे कभी खड़ा नहीं किया बीच रोड पर, कभी लंबे टूर पर गया हूँ ना और उसने मुझे दिक्कत करी, ऐसे खड़ा नहीं किया कभी बीच रोड पर, ये थोड़ी ख़राब हो जाती पर ऐसे नहीं किया उसने कभी, हाँ दिक्कत आ गई इसमें, सर्विस कराना पड़ेगी, लेके आए हैं देखते हैं क्या क्या कहता है जल्दी भाई साहब पेट्रोल, अपनी डीजल गाड़ी 10 बार चिल्ला रहा था ना, डीजल दिखाना पर्ची दिखाओ इसमें पेट्रोल डाल दी डीजल की जगह, तो उसी पे मैंने पहले डलवाई थी तो एक घंटे बाद उसी पे डलवाई, साथ में दे रही है यार दे रही है, ये देखना देखो सिंह फिलिंग स्टेशन, ये इसको देखो जो लिखी है रेट 97 किसकी होगी यूपी में, ये तो पेट्रोल की होगी ना, पेट्रोल डाल दी साले ने, ये देखो डीजल गाड़ी है 1000 रुपये का डलवाया था उसने डीजल गाड़ी में उठा दी, अब इसका क्या किया जाए, ये होते हैं पेट्रोल पंप डाले 10 बार चला रहा हूँ उस पर डीजल भी डरा, देखना जरा वो भी देखो, ये देखो
तो डीजल डलिए शुद्ध अक्षरण में डीजल डलवा रखी है। और एक खोलते हैं ना जो देखो इस पर भी लिखा है डीजल ये देख लो, लेकिन साले ने पेट्रोल डाल दी। अब जाएंगे उसके पास कहते हैं इनने क्या बिल बनाया वो देखता हूँ, जाता हूँ उसके पास। पेट्रोल बोला था डीजल डाला उसने ऐसी कम तेजी उसकी आ रहा हूँ डीजल डाला के पेट्रोल 1000 रुपए का पेट्रोल डाला उसने पहले डीजल पर्ची भी दिया है ना वो तो अपने पास डीजल गाड़ी में ठीक है। हम लोगों की गई अच्छे से इनकी इनकी और एक सकल तीसरी होगी और दूसरी देखना ये अब डीजल लेने जा रहे हैं शायद इससे रोड वाले से ले लो शायद इससे सही हो जाए। मुझे जिस समझ में नहीं दिया भाई साहब 4-10 बार चिल्लाए होंगे गाड़ी के उस पर भी डीजल लिखा उस पर भी डीजल लिखा पता नहीं क्या सरोदे में रहते हैं इंसान। अब जगमर की पूरा इंजन सील हो गया हम लोगों का अब कौन करेगा अब जिप खर्चा कम से कम 8 लाख रुपये का खर्चा आएगा। जब ऐसे हम डीजल डलवा रहे हैं यहाँ पे अब ये डीजल डाल रहे हैं एक तो जो चोट हो जाता है ना चोट कह रहा हूँ एक तो जो दिक्कत हो जाती है सबन के हरे हरे हैं देखना डीजल का भी ये डीजल का डर रहा आ रहा वो पेट्रोल का आ रहा। अब इस हम समझ में नहीं आता मोबाइल में सर भिंड से बात कर रहा था रोहित यादव बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ अभी सर आपके आपके उस पर क्या नाम है पेट्रोल पंप से मेरी गाड़ी आई है एक क्रेटा तो वो डीजल गाड़ी है सर उन्होंने पेट्रोल डाल दिया उसमें मेरी गाड़ी की ऐसी कम तैसी हुई पड़ी है। हाँ सर सिंह फिलिंग स्टेशन उदी इटावा GST नंबर आपका 09AFQPB7841H125। जी सर गाड़ी भिंड आ चुकी है और ये हाँ वो तो जितना टाइम उसके अगर पेट्रोल थोड़ी लाइट रहती तो जितना वो जब तक डीजल उसकी नोजल में रहा तब तक वो चली फिर वहीं रुक गई। जे भिंड हम क्या नाम है जे फूट के आगे से रुक गई थी तो हम ये छोटे भाई गए हुए थे मेरे तो मैंने फिर वहाँ से खिंचवा के मंगाई जब मैंने मिस्त्री से खोलवाई तो उसने बोला कि भाई साहब इन्हें तो पेट्रोल डलवाई फिर मैंने स्लिप में देखा है तो स्लिप में भी पेट्रोल का वो स्लिप वगैरह सब पे डीजल और बल्कि गाड़ी पे डीजल वगैरह सब ले आए। क्या बात हुई है जो मैं दिखा रहा था ना कैमरे पे उससे भी बात हुई है यार कैमरा गंदा उससे भी जस्ट बात हुई है मुझे कह रहा है कि आप परचेज की स्लिप की फोटो भेज दो और देखते हैं पर क्या होता है। अब एक जो है ना अपने उससे बाहर है यूपी में मतलब उदीप है अपने एरिया में होता तो अपन समझ रहे हो वो भी कर लेते अब जहाँ से वो नहीं कर सकते देखते हैं क्या होता आप टेस्ट तो गई सही कह रहा हूँ वो तो गया ही कांड और देखते हैं आप झेलेंगे खर्चा बहुत बैठ गया भाई वो तो जी बच गया मुझे लग रहा है इंजन सील है वो बता रहा है अभी खर्चा तो बहुत ज़्यादा बैठा 50,000 रुपये खर्चा बैठा क्या इसकी नोजल जो होती है ना उन पर पेट्रोल पहुँच गई थी और अब क्या कहें यार गाड़ी पर डीजल डरा उसके अंदर भी डीजल डरा उसी से डीजल डरा के ले गए घंटे पहले और उसी के बाद डीजल उसने गए तो उसने पेट्रोल डाल दिया लेने भाई ये ना किसान का लगाओ तो किसती है फिर जब गाड़ी मेरी उधर से आई गाड़ी के लिखा हुआ है डीजल बच्चों ने दो बार बोला भी डीजल है ना तो उन्होंने 1010 की पेट्रोल उस पे लिखा भी तो है और हमने 1010 डीजल बोला था मैंने चलो मान लिया चलो ठीक है ये भी मान लिया मैंने चलो उन्होंने पूछा और उनको भी तो देख रहा है यार उस डॉक्टर का डीजल लिखा है डॉक्टर भी लिखा है हमने पहले भी लिखा रखा है वहाँ देख लो भाई गाड़ी लगती है पास ही तो बच्ची लोग पर्ची आप देखिए पर्ची भी नहीं पर्ची भी नहीं देखी गाड़ी में देखा नहीं हमने जब यहाँ से गाड़ी टोल टैक्स पे जाके गाड़ी आपने डीजल ही डाला होगा यहाँ पर बिल्कुल
पेट्रोल संतानवे की देखी।